वेक्टर को ऐड करने के कौन कौन से तरीकेकार होते हैं। हमने जब डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स पढ़ा था तो उसमें हमने लिखा था कि वेक्टर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सिंपल तरीकों से नहीं किया जा सकता, और उसकी एग्जांपल भी हमने देखी थी कि स्केलर में 10 प्लस 11 का आंसर 21 आता है, लेकिन वेक्टर में 10 प्लस 11 का आंसर 15 भी आ सकता है, 10 प्लस 11 का आंसर 21 भी आ सकता है, 10 प्लस 11 का आंसर 1 भी आ सकता है। ठीक है, तो वेक्टर्स में एडिशन में दो वैल्यूज की या दो वेक्टर्स की एडिशन का आंसर क्या क्या हो सकता है, एक दफा दोनों को प्लस करें, जैसे 10 और 11 का आंसर क्या क्या हो सकता है, एक दफा दोनों को प्लस करें 10 प्लस 11 21, और एक दफा दोनों को माइनस करें 10 और 11 का जो डिफरेंस बनेगा दैट विल बी 1। तो वो 1 और 21 के बीच में कोई भी आंसर अगर आप सोचें 11.2, 9.8, 13.7, 15.8, ये वेक्टर में 10 प्लस 11 का आंसर बन सकता है। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड है, ये कौन सी एडिशन है, हमने तो आज तक ऐसी एडिशन नहीं पढ़ी। ठीक है, वेक्टर में होती है, और ये सब किसकी वजह से हो रहा है, तो देखें वेक्टर और स्केलर में फर्क क्या है, एक चीज का डायरेक्शन लगेगी, डायरेक्शन के एसोसिएट हो जाने से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये आ गया कि अब दो वेक्टर्स को अगर ऐड करना हो तो हमें नहीं पता इसका आंसर क्या होगा। जिस तरह 10 और 11 को ऐड करो हमें पता है इसका आंसर हमेशा 21 ही आएगा, लेकिन दो वेक्टर्स अगर हो जिनकी वैल्यू 10 और 11 हो उनको ऐड करें तो आप कहेंगे ये 10 प्लस 11 21 और 11 माइनस 10 1, इन दोनों के दरमियान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर कैसे श्योरिटी हो, तो आप कहेंगे डायरेक्शन बताओ उनकी क्या है। अब डायरेक्शन देख के फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि हम कैलकुलेट करते हैं ऐड करते हैं तो हम बताएंगे अच्छा अगर 10 वाला इस डायरेक्शन में 11 वाला इस डायरेक्शन में तो इनको जोड़ेंगे तो आंसर 15 बनेगा, अदरवाइज दोनों से कोई एक वैल्यू चेंज हो जाएगी तो आंसर 15 से बदल जाएगा। इट कैन बी बिटवीन, इट कैन बी 1, इट कैन बी 21 एंड इट विल बी समवेयर बिटवीन 1 एंड 21, डिपेंड्स व्हाट डायरेक्शन दे आर हेडिंग इन। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन में फिलहाल सबसे बेसिक जो मेथड है, ये सबसे बेसिक जो ऑपरेशन है वो है एडिशन का, ये देखते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा का हमारे स्कोप में अभी फिलहाल मैट्रिक में है भी नहीं, सब्ट्रैक्ट करना हम सीख लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का अभी हमें फिलहाल इस चैप्टर में एटलीस्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का आइडिया नहीं है, ये आइडिया हमें होगा जब हम वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर करेंगे तो उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स देखेंगे, तब हम एक आइडिया देख लेंगे कि वेक्टर को मल्टीप्लाई करना अगर हो तो कैसे वो डिफर करता है सिंपल मैथमेटिकल रूल्स के तहत दो वैल्यूज की मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, सो फिलहाल फोकसिंग ऑन द फर्स्ट मेथड और वो है एडिशन। अब वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं तो वेक्टर को ऐड करने के मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ मैथमेटिशियंस और फिजिसिस्ट ने मुख्तलिफ मेथड्स निकाले। ठीक है, और उनमें से कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो आज बहुत पॉपुलर हैं और हर हाल में उन मेथड्स को हम सही पाते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर उनमें दो मेथड्स बड़े फेमस हैं, एक या कोई भी मेथड होता होगा ये दोनों में से किसी एक कैटेगरी में लाया करता होगा, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल यानी के ग्राफ वाला, ग्राफ यानी के ड्रॉ हुई भी कोई चीज। देखो कि वेक्टर डायरेक्शन रखता है, डायरेक्शन को हम एरो से शो करते हैं और एरो ड्रॉ किया जाता है, लिहाजा ड्रॉ करके ऐड करने का एक मेथड होना चाहिए और होता है, उसको हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं। ठीक है, तो दो बड़े पॉपुलर ग्राफिकल मेथड्स रहे, उसमें से एक था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा है हेड टू टेल रूल। ये दो बड़े फेमस ग्राफिकल मेथड्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है हेड टू टेल रूल। ये अपने पैरेललोग्राम लॉ में कुछ लिमिटेशंस रही होंगी, कुछ खराबियां कुछ खामियां रही होंगी, तभी हेड टू टेल रूल बना। मैथमेटिकल मेथड्स में और भी मेथड्स हैं, ट्राइंगल मेथड वगैरह वगैरह, लेकिन हम जो इसमें से पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड।
ठीक है, RCM रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, ये मैथमेटिकल मेथड्स है, यानी कि ये इक्वेशंस के जरिए एडिशन बताता होगा, ये एडिशन करके देगा, ये ड्राइंग के जरिए वेक्टर्स को ऐड करके हमें बताएगा। ठीक है, मैं आपको क्विकली पैरेललोग्राम लॉ समझा दूं ताकि हेड टू टेल रूल क्यों बेहतर है ये आपको पता चल जाए। देखिए, वेक्टर की जब हम बात करते हैं तो वेक्टर को जब हम ड्रॉ करते हैं तो कोई ना कोई एरो लिखा जाता है या कोई ना कोई एरो ड्रॉ किया जाता है। ये एरो किसी वेक्टर को शो कर रहा है। अब वो वेक्टर कोई सा भी हो, वो वैल्यू देख के हमें पता चल जाएगा। अगर उस वैल्यू के साथ यूनिट न्यूटन लिखी हुई है तो ये फोर्स का वेक्टर है, मीटर पर सेकंड लिखी हुई है तो ये वेलोसिटी का वेक्टर हो जाएगा, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये एक्सेलरेशन का वेक्टर हो जाएगा, एंड सो ऑन एटसेट्रा। अब इस एरो के दो इंपॉर्टेंट पोजीशंस होती हैं। एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है इसका ये वाला हिस्सा, ये वेक्टर की एंडिंग, एंड ऑफ वेक्टर, बता रहा था कि ये इस तरफ और वेक्टर यहां के एंड हो जाता है, और ये वेक्टर का, इसको हम हेड कहते हैं, हेड ऑफ द वेक्टर, जो कि हमें क्या बताता है, दरअसल वेक्टर का एंड और किस सिंक में, ये एरो से पता चलता है। ठीक है, और ये वाला हिस्सा ये वेक्टर की टेल कहलाता है और इसको हम वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं, विच शोज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेक्टर, द स्टार्ट ऑफ अ वेक्टर। और यहां से यहां तक की जो लेंथ हमें मिलती है, यहां से यहां तक की जो लेंथ है, ये लेंथ इसका मैग्नीट्यूड डिसाइड करता है, जो इसकी लेंथ या वेक्टर का साइज हमें बताता है। ठीक है, तो वेक्टर वैल्यू में कितना बड़ा है ये हम एरो की लेंथ से बताते हैं। वो वेक्टर शुरू कहां से होता है, हमेशा टेल ऑफ द वेक्टर इज द स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से हम वेक्टर ड्रॉ करना शुरू करेंगे, और जहां वो वेक्टर खत्म होगा वो एरो हेड से या हेड ऑफ द वेक्टर कहलाता है, और यहां पे इस वेक्टर की टर्मिनेशन होती है। ठीक है, ओके, रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर दोनों कह सकते हैं आप। रिजल्टेंट वेक्टर का बड़ा सिंपल सा मतलब है, वेक्टर्स को ऐड करने के बाद, प्लस करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम रिजल्टेंट कहते हैं। जैसे 4+3=7, 4 और 3 तो वो नंबर्स हैं जो ऐड हो रहे हैं, रिजल्ट क्या बना, 7, उसी को हम कहेंगे ये रिजल्टेंट है। तो 4 और 3 का रिजल्टेंट क्या बनेगा, आप कहेंगे रिजल्टेंट का मतलब एडिशन, तो 4 और 3 के रिजल्टेंट का मतलब 4 और 3 के एडिशन, क्या आंसर देगा 7, तो वी विल से के एडिशन ऑफ 4 एंड 3 विल गिव अस 7, तो हम कहेंगे के रिजल्टेंट ऑफ 4 एंड 3 इज 7। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या होता है, द सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स being added, of course sum की हम बात कर रहे हैं, is called their resultant vector। जो add हो रहा है या जो vectors add हो रहे हैं उनका sum करने पे उनका ही resultant मिलेगा। 3 vectors add हो रहे हैं तो हम कहेंगे 3 का resultant है, 10 वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं तो कहेंगे 10 का रिजल्टेंट है। एडिशन के लिए मिनिमम 2 वेक्टर्स हमें चाहिए होंगे, ऑफ कोर्स 2 ही वैल्यू हमें कम से कम चाहिए होती है एडिशन में, तो अगर 2 ऐड हो रहे हैं तो कहेंगे 2 का रिजल्टेंट है। ठीक है, तो रिजल्टेंट का मतलब अब आपको क्लियर होना चाहिए, जब कभी भी आपसे कहा जाए 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट है 10, तो आप समझ जाए 2 वेक्टर्स को प्लस करके आंसर आया 10, चाहे वो किसी भी मेथड से प्लस किया जाए, ग्राफिकली या मैथमेटिकली कैसे भी प्लस किया जाए, सारे मेथड से एक ही आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन बहरहाल रिजल्टेंट का वर्ड या रिजल्टेंट की टर्म आप कहीं पे भी देखें वेक्टर्स में, कि रिजल्टेंट वेक्टर है, 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट, 10 का रिजल्टेंट, तो इसका मतलब हमेशा ये होगा कि उन वेक्टर्स का एडिशन आपको ये रिजल्ट देगा। ठीक है, ओके, अब पैरेललोग्राम लॉ।
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सबसे पहले इट अलाउज एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स की एडिशन हमें अलाउ करता है, दो से ज्यादा को एट अ टाइम अलाउ नहीं कर देगा। ठीक है, कहता यह है ये लॉ कि दो वेक्टर्स को जो ऐड करने को आपको गिवन हो, मिसाल के तौर पे एक वेक्टर आपको दिया गया है ये और दूसरा वेक्टर आपको दिया गया है ये, लेट अस से कि ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, तो दो वेक्टर्स ए और बी आपको गिवन है ऐड करने के लिए, तो अगर पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू ऐड कर रहे हैं तो पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि जो दो वेक्टर्स ऐड किए जाने हैं उन दोनों को इस तरह से ड्रॉ करें कि दोनों की टेल्स एक पॉइंट पे आ जाए या दोनों की टेल्स एक साथ ड्रॉ करें। मींस मैं इस वेक्टर को उठाऊं यहां पे ड्रॉ कर लूं, ये आ गया मेरा वेक्टर ए, ठीक है, इस वेक्टर को उठाया मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया और इसको इस तरह से ड्रॉ करना है कि इसकी टेल और इसकी टेल बराबर रहे, तो मैं या तो इसको उठा के ऐसे ड्रॉ कर दूं या इसको उठा के ऐसे ड्रॉ कर दूं। मैं क्योंकि ड्रॉ यहां कर रहा हूं, यहां से मैं यहां से उठा के इस वेक्टर को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ख्याल ये रखना है कि दोनों की टेल्स कोइंसाइड करें, तो ये दिस इज वेक्टर बी। ठीक है, अब पहला पॉइंट क्या हुआ, ड्रॉ द टू वेक्टर्स इन द वे कि दोनों की टेल जॉइन हुई हो। ठीक है, टेल हमने क्या बताया, क्या बताता है, वेक्टर का स्टार्ट यानी कि वेक्टर की इनिशिएशन, वेक्टर इनिशिएट कहां से हो रहा है, तो वेक्टर इनिशिएट हमेशा या स्टार्ट हमेशा टेल से होता है, और जब दो वेक्टर्स की टेल एक ही पॉइंट पे जॉइन हो तो इसका मतलब दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, दोनों एक ही पॉइंट से इनिशिएट हो रहे हैं। ऐसे वेक्टर्स जो एक ही पॉइंट से इनिशिएट हो रहे हो इनको हम को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं, को मींस मिलके एक साथ, इनिशियल यानी के स्टार्ट, तो दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो यानी कि दोनों की टेल्स एक साथ जुड़ी हुई हो तो हम कहेंगे ये को इनिशियल वेक्टर्स हैं, हैविंग द सेम स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि दोनों की टेल्स एक पॉइंट पे जुड़ी हुई। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, ड्रॉ द टू वेक्टर्स को इनिशियली विच आर टू बी एडेड, दोनों वेक्टर्स को इनिशियली ड्रॉ कर लो यानी कि दोनों की टेल्स को एक साथ ड्रॉ कर लो जिनको ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट द पैरेललोग्राम अकॉर्डिंगली, इन दोनों की मदद से पैरेललोग्राम कंप्लीट कर ले। नाउ पैरेललोग्राम क्या हुआ करता था, पैरेललोग्राम एक फोर साइडेड फिगर जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है। ठीक है, ऑपोजिट साइड यानी कि इसके ऑपोजिट जो साइड बनेगी वो इक्वल लेंथ भी होगी और पैरेलल भी होगी यानी कि सेम डायरेक्शन में। मिसाल के तौर पे मैं इसको ये मैंने इतना बड़ा बनाया तो मुझे इसी डायरेक्शन में इतनी ही बड़ी लेंथ की एक लाइन यहां से ड्रॉ करनी है, तो ये मैंने ये ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अच्छा, और इसको भी ज्वाइन करना है, ये जो साइड बनेगी इसके ऑपोजिट इतनी ही लेंथ की और इतनी ही डायरेक्शन की, ये मैंने सपोज ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हमारा एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। पैरेललोग्राम कंप्लीट होने का मतलब क्या, एक ऐसी फोर साइडेड फिगर हमने कंप्लीट कर ली जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ और सेम डायरेक्शन में, इक्वल एंड पैरेलल, सेम लेंथ की सेम डायरेक्शन की, इसके ऑपोजिट आमने सामने वाली साइड्स ऑपोजिट कहलाती हैं, बराबर बराबर वाली साइड्स एडजेसेंट कहलाती हैं, एडजेसेंट का मतलब होता है बराबर। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि ऑपोजिट साइड्स शुड बी इक्वल एंड पैरेलल, तो ये हमने बना दी इक्वल एंड पैरेलल, ये इक्वल एंड पैरेलल। नाउ पॉइंट नंबर थ्री, पहला पॉइंट क्या था, ड्रॉ द टू वेक्टर्स विच आर टू बी एडेड, उनको कोइनिशियली ड्रॉ करें, ड्रॉ द टू वेक्टर्स कोइनिशियली विच आर टू बी एडेड। नंबर टू, कंप्लीट द पैरेललोग्राम अकॉर्डिंगली, अभी आपको पता है पैरेललोग्राम कंप्लीट करने का मतलब ऑपोजिट साइड्स को इक्वल एंड पैरेलल ड्रॉ करके फोर साइड्स मुकम्मल करके पैरेललोग्राम की शेप दे दें। तीसरा और आखिरी पॉइंट, इन दोनों के जो पॉइंट है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट,
इस वर्टेक्स से, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करें जो के ऑपोजिट वर्टेक्स को मीट कर जाए, यानी के यहां से निकले और यहां पे, ठीक है, इस लाइन को जो किसी भी फिगर में, फोर साइडेड फिगर में या फिगर में डायगनल्स को मिला रही होती है इसको हम डायगनल कहते हैं, वो सॉरी वर्टेसेस को मिला रही होती है इसको हम डायगनल कहते हैं। तो ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन ये एक डायगनल कहलाएगी, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन ये डायगनल कहलाएगी। कहां से हमें वेक्टर ड्रॉ करना है? पैरेललोग्राम ये कहता है कि जहां से दो वेक्टर्स को आपने टेल जोड़ी थी, दोनों को जहां से ड्रॉ किया था उस वाली साइड से दूसरे वाले साइड यानी कि वर्टेक्स को मिला दीजिए। इनको नहीं मिलाना है क्योंकि यहां पे दोनों की टेल नहीं एक ही टेल है, यहां पे भी दोनों की नहीं एक का हेड है एक की टेल है, ये नहीं चाहिए। ये वाली ही लाइन हमें हर दफा ड्रॉ करनी पड़ेगी जहां पे दो वेक्टर्स की टेल्स मिल रही। तो जहां से दोनों की टेल्स मिल रही हो हम इसको कहेंगे डायगनल थ्रू देयर इंटरसेक्शन। इन दोनों वेक्टर्स की टेल से या इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक डायगनल ड्रॉ करेंगे और वो ऑपोजिट वर्टेक्स पे जाके एंड हो जाएगा। एंड का मतलब क्या है? एंड का मतलब ये है कि उसका हेड वहां होना चाहिए और टेल इज ऑलवेज सपोज टू बी द स्टार्टिंग पॉइंट। तो टेल यहां और हेड इसका यहां हो जाएगा। तो ये डायगनल थ्रू देयर इंटरसेक्शन विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, यानी कि विल बी द सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो ये वेक्टर ए प्लस बी हमें मिलेगा, इसको हमने कहा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? सम। तो ये वेक्टर एडिशन का एक मेथड है जिसको हम पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं। पैरेललोग्राम लॉ की ये लिमिटेशन कि इट कैन एड जस्ट टू वेक्टर्स एट अ टाइम, ये रीजन बनी कि हमें दूसरे एक नए मेथड की जरूरत पड़ी। क्यों? इसलिए कि हर दफा तो जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ दो ही वैल्यूज ये दो ही वेक्टर्स ऐड करने को दिए जाएं। मैथ्स में हम अक्सर देखते हैं कि आपको कभी पांच वैल्यूज, कभी दस वैल्यूज, कभी तीन वैल्यूज, कभी बारह वैल्यूज, इस तरह से दो से ज्यादा वैल्यूज ऐड करने को आता है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, एक डायनामेटिकली मैं जरा जल्दी जल्दी इसको करूं। मिसाल के तौर पे एक वेक्टर हमारा लिया हमने ये हो गया वेक्टर ए, एक वेक्टर हमें मिला ऐसे, ये हो गया वेक्टर बी, एक वेक्टर हम ले लेते हैं ऐसे, ये हो गया वेक्टर सी। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है ऑब्टेन द रिजल्टेंट ऑफ ए बी एंड सी। तो व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड इज ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या बनेगा? आप मेरे ठीक है, वी नो वन मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन एंड दैट इज पैरेललोग्राम। इट सेज टेक टू वेक्टर्स एट अ टाइम, ड्रॉ देम कोइनिशियली। तो ये वेक्टर मैंने लिया, ये ए आ गया कोइनिशियली, यानी कि इसकी टेल के साथ बी की टेल ले लीजिए, ये बी की टेल आ गई। पैरेललोग्राम मुकम्मल करें, ठीक है भाई हमने पैरेललोग्राम भी मुकम्मल कर दिया, और इनका रिजल्टेंट देख लीजिए। अच्छा भाई यहां रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? जहां दोनों की टेल्स मिली है वहां से ये आ गया ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू डी कह देते हैं हम इसको, ये डी हो गया। अब हमारे पास ए और बी के बदले क्या आ गया? इनका सम आ गया एंड दैट इज डी, और वो कुछ ऐसे। अब भूल जाए ए और बी को, उनकी जगह आपने क्या मिला लिया? डी। अब सी और डी को जोड़ना है, ठीक है, ए और बी की जगह पे आपने लिख दिया डी। तो अब आपको क्या चाहिए? डी प्लस सी, ठीक है। अब डी और सी को जोड़ दीजिए, डी और सी को जोड़ने के लिए फिर सेम तरीका क्या कि आप वेक्टर डी ड्रॉ करें पहले, फिर वेक्टर सी, इस तरह से दोनों की टेल्स मिल रही हो तो मैं इसको यहां से उठाऊंगा और यहां पे या यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने बना लिया सी, ठीक है। अब पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, ये हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया और इनका रिजल्टेंट बना दीजिए दोनों के डायगनल्स, या क्या ये क्या मिला हमें? C प्लस डी, जिसको हम R कह देते हैं। तो D प्लस सी का आंसर आ गया R।
ठीक है, ये हमें सी प्लस डी मिला, आंसर तो आ गया, लेकिन दिक्कत क्या महसूस हुई, व्हाट डिफिकल्टी वी फाइंड इन इट, वी फाइंड के वी हैव टू ड्रॉ एस मेनी नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स, एस मेनी नंबर ऑफ वेक्टर्स आर गिवन टू अस फॉर एडिशन, ठीक है, बल्कि इनफैक्ट एक कम, अगर तीन वेक्टर्स ऐड करने को कहा जाए तो हमने कितनी दफा पैरेललोग्राम बनाया, दो, यहां पे क्या था, दो वेक्टर्स ऐड करने को कहे थे तो एक दफा पैरेललोग्राम बनाना पड़ा, तीन वेक्टर्स ऐड करने को कहे तो दो दफा पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, चार वेक्टर्स ऐड करने को दिए जाएंगे तो तीन दफा पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, दस वेक्टर्स ऐड करने को दिए जाए तो नौ दफा पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, लग रहा है हमारे पास जिंदगी में इसके अलावा और कोई काम ही नहीं बचा, ठीक है, तो यहां उन्होंने कहा भाई ये नहीं चलेगा, इतना टाइम थोड़ी होगा, ठीक है, तो लिहाजा हम कोई दूसरा मेथड ऐसा निकालें जिस मेथड के जरिए हमें बार बार पैरेललोग्राम ना ड्रॉ करना पड़े, एक ही दफा डायग्राम बने और आंसर आ जाए, दैट वुड बी द बेस्ट वे, ठीक है, तो इसलिए क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ सिर्फ दो वेक्टर्स एट अ टाइम ही ऐड कर सकता है, और टू ऐड मोर नंबर ऑफ वेक्टर्स वी हैव टू ड्रॉ मोर नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस डिफिकल्टी, तो फिर एक नया मेथड डिवाइस किया गया, ये एक नया मेथड इन्वेंट किया गया, बनाया गया, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। फर्क क्या है ये ध्यान रखिएगा, पैरेललोग्राम कैसे ड्रॉ किया था, दो वेक्टर्स को टेल्स मिला के जोड़ के पैरेललोग्राम कंप्लीट करके डायगनल बना दे, ठीक है, अब हेड टू टेल रूल का क्या फर्क है वो अभी हम देख, नाउ हेड टू टेल रूल टेल्स अस के दो वेक्टर्स को अगर आपको ऐड किया जाए तो दोनों को बारी बारी ड्रॉ कर लें, ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर, ये रहा हमारा पहला वेक्टर, अब फ्रॉम द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ द टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर, पहले के हेड से दूसरे की टेल को ड्रॉ करें, वहां हमने क्या किया था, दोनों वेक्टर्स ने इस तरह से ड्रॉ किया था कि दोनों की टेल्स को ज्वाइन किया था, यहां क्या कर रहे हैं, पहले की टेल जहां है नॉट इंपॉर्टेंट, जहां पहले का हेड है दूसरे की टेल वहां से शुरू करें, क्या मतलब, हेड तो किसी वेक्टर का एंड पॉइंट होता है और टेल किसी वेक्टर का स्टार्ट पॉइंट होता है, तो जहां पहले का हेड है वहां से दूसरे की टेल जोड़ो, मतलब जहां पहला वेक्टर एंड हो रहा है वहां से दूसरा वेक्टर शुरू करो, ठीक है, तो हमने इस वेक्टर को उठाया और ऐसे जॉइंट में इसको, चलो यहां जॉइंट, यह आ गया, ठीक है, अगर कोई तीसरा वेक्टर भी है तो दूसरे के हेड से तीसरी की टेल, कोई चौथा वेक्टर भी है तो चौथे के हेड से पांचवे की टेल, पांचवे के हेड से छठे की टेल, यानी कि प्रीवियस वेक्टर के हेड से या लास्ट वेक्टर जो आपने ड्रॉ किया है उसके हेड से नेक्स्ट वेक्टर या प्रोसीडिंग वेक्टर की टेल को जोड़ते चले जाइए, और उस वक्त तक जोड़ते चले जाइए जब तक कि आपके पास सारे वेक्टर्स जो ऐड करने के लिए दिए हुए ड्रॉ हो जाए, ठीक है, इसको अभी हम और देखते हैं, वंस दो वेक्टर्स जो आपको ऐड करने के लिए दिए थे इस सूरत में, वंस ये सारे वेक्टर्स आपने ड्रॉ कर लिए, अब आपके पास सारे वेक्टर्स जिनको ऐड करना था खत्म हो गए, टाइम फॉर रिजल्ट नाउ, तो रिजल्ट कैसे मिलेगा, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर हमें कैसे मिलेगा, यहां हमने क्या किया था, पैरेललोग्राम के डायगनल को जो टेल से ओरिजिनेट हो रहा था, यहां हम कहते हैं कि जहां से पहला वेक्टर आपने ड्रॉ करना शुरू किया टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, वहां से एक लाइन ड्रॉ करें और उस तरफ जहां आपने लास्ट वेक्टर का हेड बनाया है, रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, पहली की टेल से आखिरी वाले के हेड को जोड़ दो, तो ये हमें मिल गया, ये रिजल्टेंट आ गया, जिसको आप ए और बी का रिजल्टेंट ही कहेंगे, तो ये ए प्लस बी इज इक्वल टू आर, आप देखें यही ए और बी तकरीबन ऐसे ही हमने लिए थे, तो चाहे पैरेललोग्राम लॉ फॉलो करें या हेड टू टेल रूल, रिजल्टेंट एक ही बनेगा, यानी कि अगर इन दो वेक्टर्स का ए और बी का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से 5 आया है तो हेड टू टेल रूल से भी 5 ही आएगा, जिस डायरेक्शन में आया है उसमें भी उसी डायरेक्शन से आएगा, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कन्वीनियंस विच मेथड इज कन्वीनियंट फॉर यू या विच मेथड सूट्स यू द मोस्ट, ठीक है, अब
अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं, मिसाल के तौर पे एक वेक्टर ये है, एक ये है, एक ये है, एक हम ले लेते हैं इस तरह से, एक ले लिया आपने, चार वेक्टर्स ले लिया सपोज, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको मैं कह दूं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, चार वेक्टर्स ले लें, तो तरीके का ये सबसे पहला पॉइंट, ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर, पहला वेक्टर आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट, फ्रॉम द हेड ऑफ दिस वेक्टर ड्रॉ द टेल ऑफ द नेक्स्ट वेक्टर, पहले के हेड से दूसरे की टेल को, ठीक है। तो मैंने ए के बाद बी हम जोड़ेंगे, तो ए के हेड से बी की टेल को जॉइन करा देते हैं, ये बी वेक्टर मैंने उठाया और यहां ड्रॉ कर दिया। अब दूसरे के हेड से तीसरे की टेल को, बी के हेड से सी की टेल को दे उठाऊंगा मैं, यहां पे ड्रॉ कर दूंगा, ये सी वेक्टर आ गया, ठीक है। सी के बाद हमें डी भी ज्वाइन करना है, तो जहां सी खत्म हो उसके हेड से डी को उठा के ड्रॉ कर लीजिए, डी वेक्टर उठाऊंगा मैं यहां, या ये उठाया मैं यहां पे ड्रॉ कर दिया, ये आ गया हमारा डी वेक्टर, ठीक है। इट्स टाइम फॉर रिजल्ट। रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, पहले की टेल से आखिरी के हेड को, पहला वेक्टर था ए, आखिरी वेक्टर है डी, तो पहली की टेल से आखिरी के हेड को, ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू आर, ठीक है, ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। अब इसमें आपने देखा कोई पैरेललोग्राम नहीं बनाना पड़ा, कोई हमें पैरेललोग्राम की तरह एक से ज्यादा दफा रिपीटेशन नहीं करने पड़ी सेम प्रोसेस की, सिवाय इसके कि जहां पहला खत्म वहां से दूसरा शुरू, जहां दूसरा खत्म वहां से तीसरा शुरू, तो हमें रिवर्ट बैक नहीं करना पड़ा, जैसे हमें यहां पे करना पड़ा था, दो ड्रॉ किए अभी उठाया वापस से पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, यहां से हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हेड से नेक्स्ट के टेल, नेक्स्ट से उसके बाद के टेल, उसके बाद से उसके बाद के टेल, और फिर एक दफा सारे ड्रॉ कर दो, रिजल्टेंट एक ही बार आपको मिलेगा। यहां हर दफा एक पैरेललोग्राम बनाने पे एक रिजल्टेंट आपको मिलता है, तो चार पैरेललोग्राम्स अगर बनाने पड़े तो चार रिजल्टेंट मिलेंगे, चार दफा रिजल्टेंट मिलेंगे, और फिर ये इस तरह से हमें यहां नहीं करना पड़ा, चार दफा वेक्टर्स, चार वेक्टर्स आपको दिए थे ऐड करने को, तो आपने चारों को एक ही दफा ड्रॉ करके कंप्लीट कर लिया और एक ही दफा रिजल्टेंट आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब एक चीज और होती है कि हमें कैसे पता चले फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, मतलब हाउ डू आई नो कि ए विल बी द फर्स्ट वेक्टर, इट्स नॉट ऑलवेज द सेम कि ए, क्योंकि अल्फाबेटिकली सबसे पहले आपने लिया से पहले होगा, एडिशन में फर्क नहीं पड़ता, ये प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब मैं आपसे कहूं कि 4 प्लस 3 करो या 3 प्लस 4 करो, दोनों सूरतों में यू नो द आंसर इज 7, तो एडिशन में ऑर्डर जंबल कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि एडिशन में ये मल्टीप्लीकेशन में भी होता है, स्वैपिंग कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करूं या 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करूं, बात तो एक ही है, आंसर दोनों से एक ही आने वाला है। हाँ, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फर्क पड़ता है, तो सब्ट्रैक्शन में जो 4 माइनस 3 का आंसर होगा वो 3 माइनस 4 का आंसर नहीं होगा, इसका आंसर प्लस 1 बनता है, इसका आंसर माइनस 1 बनता है, एंड वी नो प्लस 1 एंड माइनस 1 आर नॉट द सेम। सिमिलरली जो आंसर 4 अपॉन 3 का बनेगा वो 3 अपॉन 4 का नहीं बनेगा, ठीक है, एंड वी नो इट, 4 अपॉन 3 का आंसर बनता है 1.33 और 3 अपॉन 4 का आंसर बनेगा 0.75, फॉर श्योर दोनों सेम वैल्यूज नहीं है, जिस तरह ये दोनों अनइक्वल वैल्यूज हैं उसी तरह ये दोनों भी अनइक्वल वैल्यूज हैं। तो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर इंटरचेंज कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको चार वेक्टर्स ऐड करने, आप ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी भी कर सकते हैं, आप डी प्लस सी प्लस बी प्लस ए भी कर सकते हैं, आप सी प्लस डी प्लस ए प्लस बी भी कोई भी ऑर्डर में करते हैं, यू विल ऑलवेज सी कि आपका रिजल्टेंट ए ही रहा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आप इसी को रिवर्ट करके देख सकते हैं स्टार्टिंग के लिए, या सिर्फ अपने उसके लिए ए प्लस बी करने के बजाय बी प्लस ए करने, ये यहाँ पे भी यही पैरेललोग्राम में भी, ठीक है, एडिशन में ऑर्डर इंटरचेंज करने से फर्क नहीं पड़ता, चाहे एडिशन आप इस तरीके से करें या इससे करें। अब बी के साथ अगर मैं ए को ड्रॉ कर दूं, सपोज मैं ए प्लस बी है, मैं बी प्लस ए हूं, ठीक है, तो क्या होगा, अब बी की टेल और ए के हेड को ज्वाइन करते हैं अगर,
तो ये आपको देख रहे हैं दोनों पैरेलल सेम लेंथ के आपको मिलेंगे, तो ये b प्लस a मिलेगा आपको, इसका आंसर भी आज ही कहेगा। सो एडिशन में ऑर्डर इंटरचेंज कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये एडिशन में भी होता है और मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन डोंट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ये था हमारा वेक्टर एडिशन। अब कुछ हम इस पे बुक के न्यूमेरिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, फिर इंशाल्लाह वो देखेंगे कि हाउ टू ऐड देम सही। बस उसमें ध्यान ये रखना होता है कि आप मेजरमेंट सही से करें और वेक्टर्स को जब आपको दिए जाए मेंशन करें, डिग्रीज में करें या एक्सिस वाइज करें, उसको केयरफुली ड्रॉ करें। एक आठ डिग्री की भी अगर आगे पीछे हो गई ड्रॉइंग हमारी, तो आपका रिजल्टेंट ओवरऑल आंसर गलत हो जाएगा। ओके जी, अपन शुरू करने जा रहे हैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, मेरे पास है मैट्रिक फिजिक्स की बुक कराची बोर्ड। हम देख रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 5.1 पेज 84। प्रॉब्लम नंबर 5.1 पेज 84। ठीक है, आपसे कह रहे हैं कि ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तीन वेक्टर्स आपको गिवन है, इनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ड्रॉ करनी है। रिप्रेजेंटेटिव लाइंस का मतलब क्या है, वो जो एरो हम ड्रॉ करते हैं, वेक्टर आपको दिया जाए सर्टेन वैल्यू और डायरेक्शन का, तो उसको जब हम पेपर पे एरो की सूरत में ड्रॉ करते हैं, तो दैट एरो इज नोन एज वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, या रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर। ठीक है, तो आपसे ये कह रहे हैं कि ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। पहला वेक्टर जो आपको गिवन है वो है अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन्स, तो मैं आपको कहा गया फोर्स है 15 न्यूटन्स की, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। अब ये आपको फोर्स जो दी हुई है, ये वेक्टर है क्या स्केलर है, तो रिप्रेजेंटेटिव लाइन ड्रॉ करने को कह रहे हैं, तो ड्रॉ तो होता ही वेक्टर है नंबर एक पर, एक तो हमें ऐसे समझ में आया। साथ में आपसे कह रहे हैं 15 न्यूटन 60 डिग्रीज। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन का, 15 न्यूटन का, 60 डिग्री डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, तो ये फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको दी हुई है, ये फोर्स हमारा एक वेक्टर है, लिहाजा फोर्स वेक्टर को एफ के ऊपर एरो से ही शो करना है। ठीक है, 60 न्यूटन्स विद एक्स एक्सिस, 15 न्यूटन्स सॉरी 60 डिग्रीज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, दूसरा वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 60 किलोमीटर्स। दूसरा वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम इससे शो करते हैं एस के ऊपर एरो से। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 60 किलोमीटर्स और साथ में इसकी डायरेक्शन क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, ये नॉर्थ की डायरेक्शन है। इसको इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ भी लिखते हैं, इसको ड्यू नॉर्थ भी लिखते हैं, या अलोंग नॉर्थ भी लिखते हैं, कैसे भी लिखा जा सकता है, आपको डायरेक्शन समझ में आनी चाहिए बस। और तीसरा आपसे कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर एन आवर, वेलोसिटी है तो हम इसको बी से शो करेंगे, 30 किलोमीटर पर आवर, और इसकी डायरेक्शन आपको बताइए टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट को हम ऐसे लिखते हैं एन ई। ठीक है, ये रेफरेंस एक्सिस हमें पता होने चाहिए हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, दो याद रख लें, बाकी तो हो जाएगा टॉप पे नॉर्थ होता है, राइट पे ईस्ट होता है। ठीक है, तो बाकी इसके ऑपोजिट ही होंगे। रिक्वायर्ड में आपको क्या है, इनके रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव लाइंस का क्या है, रिप्रेजेंटेटिव लाइंस के लिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप व्हाइल ड्राइंग वेक्टर्स या रिप्रेजेंटेशन किसी वेक्टर की करने में, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है वो होता है स्केल। नाउ स्केल का मतलब क्या होता है, हमने कहा स्केल का मतलब होता है मेजरमेंट, बिल्कुल हमने स्केलर्स की शुरू में डेफिनेशन में बात पढ़ी, स्केल का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है,
आपको कहा जा रहा है कि 15 न्यूटन का वेक्टर ड्रॉ करो। हम जो भी वेक्टर ड्रॉ करेंगे वो स्केल की मदद से ड्रॉ करेंगे, जो हमारा मीटर स्केल होता है या हमारा सेंटीमीटर इंच में होता है, दैट विल बी अ लेंथ। तो ड्रॉ तो हम लेंथ को करेंगे, न्यूटन फोर्स को कैसे ड्रॉ करें? ड्रॉ तो हम लेंथ को करेंगे, तो ये 30 किलोमीटर पर आवर कैसे ड्रॉ करेंगे? और ये किलोमीटर अगर लेंथ है भी तो किलोमीटर, किलोमीटर तो बहुत बड़ा होता है, 1000 मीटर आपके, ठीक है, या यूं कहिए कि 1,00,000 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर होंगे। आपके पास जो स्केल अवेलेबल है वो तो हार्डली 12 यानी 25 इंचेस का होगा, 30 इंचेस का होगा, 30 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर का होगा, सॉरी, ठीक है। तो जो हमारा फुट स्केल होता है, एक फुट, वो तकरीबन 12 इंचेस या ऑलमोस्ट 25 to 30 इंचेस के दरमियान का होगा, ठीक है, 30 सेंटीमीटर, सॉरी मैं बार बार। तो जो लेंथ हम ड्रॉ करेंगे 60 किलोमीटर, ये किलोमीटर तो बहुत बड़ी लेंथ है, हम जो लेंथ ड्रॉ कर सकते हैं वो तो एक फुट की लेंथ के बराबर है। एक फुट का मतलब 12 इंच, ये तकरीबन 30 सेंटीमीटर, तो हम 30 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं ड्रॉ कर सकते। 1 किलोमीटर 1,00,000 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 60 किलोमीटर 60,00,000 सेंटीमीटर के बराबर होंगे। तो दो इश्यूज आए हमें बड़े बड़े, नंबर एक पर जो क्वांटिटीज लेंथ नहीं है उनको कैसे ड्रॉ करें, और जो लेंथ है भी वो वैल्यू में इतने बड़ी है उन्हें कैसे ड्रॉ करें, क्योंकि वो पेपर पे तो नहीं आ सकते, पेपर का साइज हमारा इतना बड़ा होगा, हार्डली आप उस पर 1.5 फुट लंबी लाइन ड्रॉ कर सकेंगे, 1,60,000 सेंटीमीटर की लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। तो हमें जरूरत है दो चीजों की, नंबर एक पर उन क्वांटिटीज को भी ड्रॉ किया जा सके जो के लेंथ नहीं होती, जैसे कि ये फोर्स और ये वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम होते हैं। दूसरी जरूरत हमें जो पड़ी, जो बहुत बड़ी लेंथ है वो और इतनी बड़ी के पेपर पे नहीं ड्रॉ की जा सकती, उनको भी रिड्यूस करके इतनी कम लेंथ बना दिया जाए कि पेपर पे ड्रॉ की जा सके, न सिर्फ ड्रॉ की जा सके बल्कि क्लियरली अंडरस्टैंडेबल भी हो। ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हम स्केलिंग कहते हैं इसको, ठीक है। बहुत बड़ी लेंथ को रिड्यूस करके हम पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकें, या बहुत छोटी लेंथ हो उसको क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए जरा मैग्नीफाई करके कर सकें, दिस इज ऑल्सो स्केलिंग। या नॉन लेंथ क्वांटिटीज, जो लेंथ के अलावा क्वांटिटीज होती हैं उनको भी पेपर पे ड्रॉ कर सकें, फॉर दैट वी ऑल्सो नीड टू हैव अ प्रॉपर स्केल, ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक तीनों का स्केल बता देता हूँ और एक ड्रॉ करके बता देता हूँ, बाकी तो फिर हम जो इसके बाद वाले क्वेश्चन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पार्ट वन का स्केल, अच्छा जरूरी नहीं है कि एक ही स्केल हो जाए और तीनों पार्ट्स हो जाए, हर पार्ट के लिए अलग अलग स्केल हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। मैं फिलहाल अभी देख लेता हूँ, हमें आइडिया हो जाएगा, मैं पार्ट वन की बात कर रहा हूँ। पार्ट वन का जो स्केल लेंगे, अच्छा स्केल लिखने का तरीका क्या होता है, स्केल हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है, ये पेपर में हमें सवाल में लिखा हुआ नहीं आया कि 15 न्यूटन को इतने सेंटीमीटर का ड्रॉ करो, ये हम खुद ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कह देते हैं लेट क्या 15 न्यूटन को तो हम नहीं लिख रहे, हम पहले ये पता लगा लें कि 1 न्यूटन या 1 सेंटीमीटर कितने न्यूटन के बराबर हम रखें। तो याद रखिए, हम पेपर के ऊपर जो हमारे कॉपीज या रजिस्टर्स होते हैं, हम इस पे 10 से 15 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, 15 सेंटीमीटर भी ज्यादा हो जाता है, आपको हो सकता है कॉपी को भी ऐसा रखना पड़े, ठीक है। तो आप अपनी रेंज में 10 के अंदर अंदर, बहुत हुआ तो 15 के अंदर अंदर, इससे ज्यादा नहीं, 10 से अंदर अंदर ही रहना है, ज्यादा ऊपर नहीं जाना। तो 15 न्यूटन को मैं कितने सेंटीमीटर के बराबर ड्रॉ करूं, या 1 न्यूटन को या 1 सेंटीमीटर को कितना लूं कि 15 न्यूटन हमारा पेपर के ऊपर क्लियरली ड्रॉ हो सके। अब इसमें हमारे पास दो तीन तरीके हैं, मैं ले लेता हूं लेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, या यू लिख दीजिए कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें कितने न्यूटन चाहिए, 15 न्यूटन चाहिए, तो 1 को 15 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15 न्यूटन्स इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर्स, ठीक है। यानी कि पेपर पे आप 15 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो 15 न्यूटन के बराबर होगी और हमारी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। अच्छा, आपको अगर लगे कि नहीं ये 15 न्यूटन या 15 सेंटीमीटर तो लंबी लाइन हो जाएगी,
इतनी कि मेरे पेपर पे नहीं आ सकेगी, तो थोड़ा सा और इसको रिड्यूस कर लेते हैं, इतना कि 15 सेंटीमीटर ना हो, ये 10 सेंटीमीटर हो जाए, ये 9 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं इसमें, हम ले लेते हैं सपोज या 3 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर ये ना चले तो लेट 3 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 न्यूटन अगर 1 सेंटीमीटर में बराबर है तो हमें कितने न्यूटन चाहिए, 15। तो 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि 3 15 बन जाए, तो 3 5 से 15, तो 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 न्यूटन विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर या 15 न्यूटन विल बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नाउ दिस इज वेरी मच ड्रॉएबल, 5 सेंटीमीटर की लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अच्छा, आप चाहें कि नहीं 5 सेंटीमीटर नहीं, आप इसको 5 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर ले लें, ठीक है। 5 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर ले लेंगे तो 5 3 से 15, 2 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। भारत, दिस इज एन आइडियल लेंथ, तो मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ। लेट 3 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब हमें 15 न्यूटन यानी कि 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है 60 डिग्री पे एक्स एक्सिस से। यहां आप अपना डी रखेंगे, यहां पे आप रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग बना लीजिएगा, या डायग्राम या रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर जो भी है, या आपने अपना डी रखा और डी से आपने एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो जैसे ये हमने लिखा हुआ है, ये ईस्ट है, इसको हम एक्स भी कह सकते हैं, ये वेस्ट है, इसको नेगेटिव एक्स, ये साउथ है नेगेटिव वाई, और ये नॉर्थ है पॉजिटिव वाई। एक्स एक्सिस से 60 डिग्री, सपोज 60 डिग्री हमारा बना ये, मैं 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ कर देता हूं, 1 2 3 4 5, बस ये मेरा बन गया, ये 60 डिग्री आ गया, ठीक। ये हमारा हो गया 15 न्यूटन, ठीक है। दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव लाइन। इसी तरीके से 60 किलोमीटर की नॉर्थ में स्केल देख लेते हैं पहले इसका, यहां क्या स्केल है, लेट 60, ये 10 का मल्टीपल है, ठीक है। अब 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर लूंगा तो 60 किलोमीटर 60 सेंटीमीटर आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ पेपर। अब मैं ले लेता हूं सपोज 6 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो जितने नंबर से हम मल्टीप्लाई करा रहे होते हैं एक्चुअली उतनी लंबी लाइन हम ड्रॉ कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमने 5 से मल्टीप्लाई कराया तो 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ होगी, यहाँ पे 6 को 10 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 60 बनाने के लिए, तो 10 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो उसका मतलब है 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन होगी। अगर आपको ये बड़ी लग रही है तो आप कहें कि नहीं, अगर 6 10 60 होता है तो 10 मल्टीप्लाई 6 वो भी 60 बन जाएगा। तो मैं वाई 6 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कंसिडर करूँ, मैं क्यों 6 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कंसीडर करूं, व्हाई नॉट कंसीडर 10 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब 10 को 60 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा तो 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन ड्रॉ होगी, आई एम ओके विद इट। तो 6 × 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 6 × 1 सेंटीमीटर, व्हिच इंप्लाइज दैट 60 किलोमीटर का मतलब हमने ले लिया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इज वेरी मच ड्रॉएबल, आई एम वेरी। अब हम इसको नॉर्थ एक्सिस पे ड्रॉ कर सकते हैं, चलिए आप अपना ये डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लें, ये रेफरेंस एक्सिस जरूर ड्रॉ किया करें, इससे बेहतर हो जाता है। ये 6 सेंटीमीटर की लाइन जो कि एक्चुअली 60 किलोमीटर है नॉर्थ। लास्टली 30 किलोमीटर पर आवर एक ही लाइन ड्रॉ करनी है, तो 10 3 30 भी ले सकते हैं या 3 10 30 भी ले सकते हैं, 15 2 30 भी हो सकता है और 2 15 ये 5 का मल्टीपल भी है, 5 6 30
तो ये 5 का मल्टीपल भी हो सकता है और 6 5 30 ये 6 का मल्टीपल भी हो सकता है। तो आप इसको इस तरह से मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जो आपको कन्वीनियंट लगे। सिंगल लाइन है 3 सेंटीमीटर की लाइन, ठीक है, तो मैं 10 किलोमीटर को 1 लेता और उसको 3 से मल्टीप्लाई करा देता, या फिर 5 को ले लेता 6 को ले लेता, ठीक है। 5 किलोमीटर पर आवर को 1 मीटर पर सेकंड लेते तो 5 6 से मल्टीप्लाई करने पर 30 बजेगा, तो वो 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनेगी। और अगर 6 किलोमीटर पर आवर को 1 वेलोसिटी का लेते हैं अगर 1 सेंटीमीटर, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 30 बन जाएगा, तो वो 5 किलोमीटर पर आवर की लाइन 5 सेंटीमीटर लंबी बन जाती है, ठीक है। सो आई होप स्केल कंसिडर करने का कंसेप्ट आपको थोड़ा क्लियर हुआ हो। 5.2 से ज्यादा आई गेस 5.3 करना चाहिए है। 5.3 में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, डेटा साथ साथ बनाते रहेंगे। अ मैन ड्राइव्स हिज कार 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट। एक आदमी है जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहा है 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। तो किलोमीटर एक डिस्प्लेसमेंट है, तो मैं उसको लिख रहा हूँ S1 5 किलोमीटर ईस्ट। फिर आपसे कह रहे हैं देन ही ट्रेवल्स 10 किलोमीटर साउथ एंड रीचेस अ पॉइंट। फिर वो 10 किलोमीटर आगे चल के एक पॉइंट, 10 किलोमीटर साउथ आगे चल के एक पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो ये दूसरा हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है S2 10 किलोमीटर साउथ। फिर आपसे कहते हैं फ्रॉम हेयर ही ट्रेवल्स 15 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट एंड रीचेस अनदर पॉइंट। यहां से ये 15 किलोमीटर वेस्ट चलता है। तीसरा डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है S3 कह रहे थे इसको 15 किलोमीटर वेस्ट एंड रीचेस अनदर पॉइंट, एक और जगह पहुंच जाते हैं। फाइनली आखिर में ही ट्रेवल्स 20 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। फाइनली ये चौथा डिस्प्लेसमेंट 20 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ पहुंचता है। आपसे कहें फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड। नेट डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम करना है, नेट डिस्प्लेसमेंट को मैं S कह देता हूं। एक रफ सा स्केच हम पहले बनाते हैं, बल्कि पहले इसके स्केल देख लेते हैं। नाउ ये एक कंटिन्यूटी में दिया गया सवाल है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन क्वेश्चन वन, जिसमें 3 अलग अलग पार्ट्स आपको दिए थे। 3 अलग अलग पार्ट यानी कि 3 अलग अलग क्वांटिटीज थी, तो हमने 3 अलग अलग स्केल बनाए। ये एक ही कंटिन्यूटी में दिया जाने वाला सवाल है और एक ही फिजिकल क्वांटिटी दी जा रही है, तो वी हैव टू यूज 1 स्केल फॉर ऑल दीज 4 वेक्टर्स। एक स्केल लेंगे जिस स्केल के बिहाफ पे हम इन 4 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसा हमने कहा जिस नंबर से मल्टीप्लाई कराना होता है उतनी ही लंबी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी आपको। तो अगर मैं 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर लूं तो मैक्सिमम 20 किलोमीटर तक जाना है, तो 20 सेंटीमीटर बनेंगे। 20 सेंटीमीटर बड़ा तो हमारा पेज होता नहीं है। तो दूसरा आसान सा हमारा बन सकता है 5 किलोमीटर को हम ले लें। अगर मैं 2 किलोमीटर को ले लूं तो 2 किलोमीटर को 2 को क्या करूं कि 5 बन जाए, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 5 बन जाए, तो 2 को हम 2.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो ये 2.5 से मल्टीप्लाई कराने पे 5 बनेगा, तो 2.5 सेंटीमीटर की लाइन ये बनेगी। 2 को 5 से मल्टीप्लाई कराने पे 10 बनेगा, तो 5 सेंटीमीटर ये बनेगी। 2 को 7.5 से मल्टीप्लाई कराने पे डिवाइड करके देख लीजिए आप, 15 को 2 से डिवाइड कराए तो 7.5, तो 7.5। तो ये 0.5 वाले इसमें मैं नहीं जाना चाहता, ठीक है। मैं कोई और ऐसा नंबर देखता हूँ जिसमें वो जाए, तो 3 3 से भी नहीं आ सकेगा, ये तो आ जाएगा ये नहीं आएगा, ये तो आ जाएगा ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा ये नहीं आएगा, तो 5 किलोमीटर को ही 1 सेंटीमीटर ले जाएगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन ये बनेगी, 2 सेंटीमीटर लंबी लाइन ये बनेगी, 3 सेंटीमीटर लंबी लाइन ये बनेगी, 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन ये बनेगी,
ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, लेट 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देयरफॉर 10 किलोमीटर कितना बन जाएगा, 10 किलोमीटर विल बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, 15 किलोमीटर विल बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड 20 किलोमीटर विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये हमारे स्केल हो गए। ठीक है, अगर आपको लगे कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ये ज्यादा छोटा हो रहा है तो कोई मसला नहीं, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए फिर हम क्या कर लेते हैं कि 5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के बजाय ऐसा कर लें कि ये 2 सेंटीमीटर हो जाए। 5 किलोमीटर अगर 2 सेंटीमीटर है तो 10 किलोमीटर 4 हो जाएगा, 15 किलोमीटर 6 हो जाएगा, 20 किलोमीटर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो लेट 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, देयरफॉर 10 किलोमीटर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 15 किलोमीटर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और 20 किलोमीटर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर 5 किलोमीटर 2 सेंटीमीटर के बराबर है तो इसका मतलब है हमने क्या लिया, 2.5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर लिया। हमने शुरू यहां से किया, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर के बराबर है। क्यों, इसलिए आगे हमें जरूरत पड़ेगी। तो हमने लिया 5 किलोमीटर को 2, 10 4 बन गया, ये हमारे पास स्केल होते हैं। आई होप ये स्केलिंग इजी है, थोड़ा सा आपको जहन पे जोर देना पड़ेगा, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट एज आई फील। ऑलराइट, अब आइए जरा इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। तो हम इसके ड्रॉ करते हैं, आपको कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, तो मैं यहां से शुरू करता हूं। 5 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, 5 किलोमीटर का मतलब 2 सेंटीमीटर, ये बना बन गया 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। ये ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं, ठीक है। आप 5 किलोमीटर ना भी लिखें, आप इसकी जगह 2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल ठीक है वो भी, ठीक है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा ज्यादा बेहतर यही है कि जो आप मेजर कर रहे हैं वो लिखें। उसके बाद ईस्ट के बाद ये कह रहे हैं 10 किलोमीटर जाओ साउथ पे। अब 10 किलोमीटर साउथ कहां से आएगा, तो जरा मैं यहां पे रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ करूं, तो साउथ है डाउनवर्ड 10 किलोमीटर नीचे, यानी कि 4 सेंटीमीटर की लाइन हमें डाउनवर्ड ड्रॉ करनी है। अंदाजन इतने बनेगा, ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर या 10 किलोमीटर साउथ। यहां से फिर डॉटेड लाइन से आपने रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ किया। अब ये कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर जाएं, 15 किलोमीटर जाएं वेस्ट की तरफ, वेस्ट है लेफ्ट, तो 6 सेंटीमीटर लेफ्ट की तरफ जाना है। ये हो गया 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर जो कि एक्चुअली है 15 किलोमीटर, ठीक है, टुवर्ड्स वेस्ट हो गया। और फाइनली नॉर्थ जाना है 20 किलोमीटर, नॉर्थ जाना है 20 का मतलब 8 सेंटीमीटर, नॉर्थ जाना है 8 सेंटीमीटर यानी कि अपवर्ड जाना है 8 सेंटीमीटर। तो यहां से आपने ये 4 सेंटीमीटर है, इतनी लंबी लाइन और खींचती हमने, ये हो गया हमारा 20 किलोमीटर का मतलब एक्चुअली क्या हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आप किलोमीटर्स में यूनिट ही रखिएगा, मैं दोनों लिख रहा हूं बताने के लिए आपको, अगर किलोमीटर यूज किया तो चारों में किलोमीटर ही लिखें, सेंटीमीटर ना लिखें, बेहतर है कि सेंटीमीटर ही लिखें। ये हटा दें,
बस यूनिट एक ही रखनी है फिर कंफ्यूजन। ठीक है, आखिरी में ये आपकी ड्राइंग हो गई कंप्लीट, रिजल्टेंट पे आ जाएगी। रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, ये हमने हेड से टेल, हेड से टेल, हेड से टेल, हेड टू टेल लगाया। तो हेड टू टेल के मुताबिक रिजल्टेंट कैसे, पहले वाले वेक्टर के हेड की टेल से आखिरी वाले वेक्टर के हेड को ज्वाइन करा दीजिए। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर हेड टू टेल रूल से, जो हमने ये हेड टू टेल रूल ही है, पहले का हेड दूसरे की टेल, दूसरे का हेड तीसरे की टेल, तीसरे का हेड चौथे की टेल। ठीक है, तो हेड और टेल मिले हुए, सो दिस इज हेड टू टेल रूल। तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक फाइनल या रिजल्टेंट वेक्टर जो हमें मिलता है, पहले की टेल से आखिरी के हेड को ज्वाइन करा देते हैं। पहला वेक्टर हमारा ये था जिसको हमने S1 का नाम दिया था, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, ये S3 हो गया, एंड दिस इज S4। ठीक है, तो S1 की टेल से S4 के हेड को हमने ज्वाइन करा दिया, ये हमारे पास वेक्टर S बना हुआ गया। ठीक है, अच्छा अब काम हमारा यहां खत्म नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि आपसे पूछा गया था कि 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर जा रहे हो ऑब्जेक्ट, तो बताओ फाइनल आंसर कितना रहा, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना रहा आपने का, ये कुछ सेंटीमीटर बनेगा। कितना सेंटीमीटर मिलेगा अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे सही सही ड्रॉ करके, तो आपका आंसर 5.7 सेंटीमीटर इस स्केलिंग के साथ, इस स्केलिंग के साथ 5.7 सेंटीमीटर आना चाहिए। ठीक है, तो आपसे कहा कि गाड़ी में चला 5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, बताओ नेट डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, आपने कहा 5.7 सेंटीमीटर, ये तो बात ही गलत हो गई। ठीक है, इसलिए हमने ड्रॉ करने की गलत से 5 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था, और अब इस सेंटीमीटर को वापस से किलोमीटर में कन्वर्ट करके जिस यूनिट में हमें सवाल दिया गया था उसी यूनिट में आंसर बताना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हाउ मच इज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, और इसी के लिए हमने 5 किलोमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर जब लिखा था तो यहां से 1 किलोमीटर की वैल्यू भी निकाली थी। सही है, तो अब देख लेते हैं वापस से इसकी कन्वर्जन, नाउ इसकी अनस्केलिंग करते हैं दोबारा। सिंस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हमने किया था, 2.5 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर, देयरफॉर हमारे पास कितना आंसर आ रहा है 5.7, तो 5.7 से मल्टीप्लाई करा देंगे अगर दोनों साइड्स पे, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 5.7 ये बन जाएगा। ठीक है, व्हिच इंप्लाइज दैट 5.7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5.7 मल्टीप्लाई बाय 2.5 का आंसर तकरीबन बनता है 14.2 किलोमीटर। ठीक है, ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई डिस्प्लेसमेंट की, मैग्नीट्यूड की। नाउ ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, नाउ सिंस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लिहाजा आपको इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन में बतानी है। इसकी डायरेक्शन कितनी होगी, ये आप d रखेंगे, इससे जब फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए आपके पास 135 डिग्री। सही है, अच्छा तो आप इसमें डायरेक्शन लिख सकते हैं कि द नेट डिस्प्लेसमेंट इज 14.2 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ या एट 135 डिग्री। सही है, अच्छा हमारी बुक में इस 135 डिग्री को ऑल्टरनेटिवली लिखा है, ये डायरेक्शन क्या बनेगी, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नहीं बनेगा। ठीक है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में बनेगा, कितना बनेगा, तो ये 135 ओवरऑल है, नॉर्थ की डायरेक्शन कितनी होती है, नॉर्थ हमारा 90 डिग्री होता है ईस्ट से या एक्स एक्सिस से, तो नॉर्थ से कितना फासला हुआ, 90 डिग्री माइनस कराते हैं तो 135 माइनस 90 आंसर बन जाएगा 45। तो ये एंगल बुक में जो लिखा है इसकी डायरेक्शन 135 डिग्रीज और 45 डिग्रीज वेस्ट ऑफ नॉर्थ,
या नॉर्थ वेस्ट, ठीक है? क्यों? वेस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ का वेस्ट, नॉर्थ का वेस्ट क्या बनेगा, सबका वेस्ट इसी तरफ होता है, तो नॉर्थ का वेस्ट यानी नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाएंगे, कितना जाएंगे, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 45 डिग्री आगे जाएंगे, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 45 डिग्री आगे जाओ या एक्स एक्सिस से 135 डिग्री आगे जाओ, ठीक है? इसको हम 135 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस या 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ये आपका रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा, ठीक है? तो इसको हम लिख सकते हैं रिजल्ट में, क्या लिखेंगे, दस द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन इज फाउंड टू बी 14.2 किलोमीटर अलोंग 45 डिग्रीज वेस्ट ऑफ नॉर्थ या 135 डिग्रीज फ्रॉम एक्स एक्सिस, वो भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल ठीक है, सही है, ठीक है। एक तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया, इसके अलावा प्रॉब्लम नंबर 5.2 और 5.4 ये आप होमवर्क के तौर पे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन हो सो डू लेट मी नो थ्रू योर कमेंट्स, और मैं फिर इंशाल्लाह आपको उस हवाले से जो भी रिलेटिव गाइडेंस होगी दैट आई विल श्योरली प्रोवाइड यू इंशाल्लाह, ठीक है? आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं, जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। एंड बिफोर दैट, लाइक आई सेड प्रीवियसली, वी विल बी स्टडिंग ट्रिग्नोमेट्री, तो हम ट्रिग्नोमेट्री, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड देन कंपोजिशन ऑफ वेक्टर और फिर इनके न्यूमेरिकल्स, ये हम करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, बादब बानसी।